ब्राह्मणवाद कैसे खुल के बाहर आता है जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना आदर्शन करता है। वो भाजपा का नाम अकेले नहीं देखना चाहता। मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। वो भाजपा का नाम अकेले देखना चाहते तो कौमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है, तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे? जेएनयू के बच्चों ने मेरे कुछ देखा, भाजपा में कुछ देखा, और उन्होंने हिंदुत्व फैसिज्म ब्राह्मणवाद मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है, लेफ्ट के प्यादों ने नहीं जिताया है। अगर कुछ लिखना है भाजपा के आगे तो लिखना है कि जेएनयू सपोर्टेड, अंबेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड भाजपा, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड। एक दलित महिला होते, एक क्वीर महिला होते, आप सबके साथ इस सारे भाग्य बात रख रहे हैं अपने। ये मेरी माँ बाबा साहेब फातिमा सावित्री माई की देन है। आज मैं इन नारंगी खटमलों को बता दूं जो डोल लेके आए हैं, जो डोल डोली बजा रहे हैं, आज ये मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। आज मेरी आवाज मेरे परिवार के साथ गूंजेगी, मेरे परिवार के साथ गूंजेगी और तेरे गूंजेगी। मेरी आवाज में आज नवदेवी की ओंकार है, बिल्किस की ओंकार है, फातिमा की ओंकार है, फूलन की ओंकार है। एबीवीपी ने जो माहौल पैदा कर दिया है कैंपस में वायलेंस का, इसको हम कंडेम करते हुए कहते हैं, हम कंडेम करते हुए कहते हैं कि हम भी फूलन से जज्बा रखते हैं। आपको नजर भी नजर में रहते हम चुनौती देने के सक्षम है, वापस चुनौती देने के सक्षम है। हल्द्वानी साथियों, साथियों में हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं देखती हूँ आप कैसे एंटी मुस्लिम राइट्स करवाते हैं, ये लोग एंटी मुस्लिम मस्जिद गिरा देते हैं, एक्सपेंशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग मस्जिद गिरा देते हैं। मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे हल्द्वानी में यूसीसी लाया जाता है, यूसीसी जो मेरे पोल्यूशन बिल है और कुछ नहीं, एंटी वुमेन एंटी क्वीर है। मैं जानना चाहती हूँ कि इनको हमारे पेट्रोल में घुसना क्योंकि इतनी उच्चा क्यों है। 377 जब 377 था तो 377 के डबल घुसते थे, अब यूसीसी के डबल घुसते हैं। ये राइट की पॉलिटिक्स, ये राइट की पॉलिटिक्स है, डिविनिटी की पॉलिटिक्स है। ये एक महिला को तो देवी बना देते हैं, तीसरी को राष्ट्रपति कहकर उसके साथ रेप करते हैं। आज भी हाथ रेप के चुका ठंडी नहीं पड़ी है, आज भी आंदोलन नहीं है। ए वाल्मीकि सभी सत्य चलाने वालों, वाल्मीकि सभी सत्य चलाने वालों, मनीषा वाल्मीकि के साथ जब चार ठाकुर रेप करते हैं तो तुम चुप बैठे रहते हो, कोई गंदा नहीं सिर्फ उसके नहीं लेते आते। हम भी किसको नहीं बोले, फिर किसके रेपेशन भी नहीं देते हैं, तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और ये लोग कोई कंडेमेशन सिर्फ में नहीं लेकर आते हैं। ये वही लोग हैं जो इस कैंपस में नाजी को बाहर सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी जा रही है। जेएनयूएसयू के इलेक्शंस में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जीआरसी जो है इस तरीके से इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है, बट हमारा ईसी जो है वो ऑटोनॉमस ईसी है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के द्वारा चुना गया है, तो वो इंडिपेंडेंटली इसको रेजिस्ट करता था। बट इस बार मैं देख रही हूँ कि मेरा नॉमिनेशन जो कैंसिल किया गया वो सुबह सुबह जो है मैंने देखा कि मेरा नॉमिनेशन ही नहीं है, या वो लेटर आया कि आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है, और पोलिंग के जस्ट 1-2 घंटे पहले। तो मैं बहुत शॉक में चली गई कि ये क्या हुआ। रात के 2 बजे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। मुझे वो सफिशिएंट टाइम भी नहीं दिया गया कि मैं कोर्ट में भी जाकर जो है इसे रीएड्रेस कर सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरीज जो भी है वो सब कुछ सब जुडिस है। जब मुझे कल जीआरसी में बुलाया गया था तो मैंने इनसे क्लियरली बोला कि आप मुझे एविडेंस दीजिए ताकि मैं अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आऊं, बट मुझे कोई एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। मुझे जीआरसी की मीटिंग में बुलाया गया, मैंने 40 पेज का वहां पे रिपोर्ट जमा किया है अपने सारे केसेस का, जो भी पेंडिंग इंक्वायरीज मेरे ऊपर है। बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने के लिए इस कैंपस में पिछले 10 सालों से मेरे ऊपर काफी प्रोक्टोरल इंक्वायरीज और फाइन्स, और इनफैक्ट मेरा रेस्टिकेशन भी किया गया था। हाईकोर्ट से मुझे जो है रीइंस्टेटमेंट मिला है वापस से एज अ स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब जब फाइनली मैं चुनाव लड़ रही थी तो जानबूझ के ऐसा किया गया कि लास्ट मोमेंट पे मेरा चुनाव जो है वो कैंसिल किया गया ताकि एक क्योर्स क्रिएट हो, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो, और उस कंफ्यूजन से जो है एबीवीपी का कैंडिडेट जीत जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेट पहले एबीवीपी जाके जीआरसी में कंप्लेन करता है, फिर जीआरसी मुझे सफिशियंट टाइम नहीं देती है, प्रोसीजरल वायलेशंस करती है,
कि जीआरसी में लिंदो कमेटी में एक क्लॉज है कि आपको कंप्लेंट आता है तो कंप्लेंट पे आपको रिबटल लेना पड़ता है, रिबटल का जो है रिजॉइंडर होता है, रिजॉइंडर जो होता है उसपे फाइनल एक ये रिस्पॉन्स होता है। तो ये प्रोसीजर्स को वायलेट करके जो है सीधा सीधा मुझे जो है पोलिंग से पहले ये कर दिया गया। और इलेक्शन कमेटी से भी हमें दिक्कत है इस बात की कि 15 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, 16 तारीख को जो है मेरा नॉमिनेशन फाइनल हुआ सारा स्क्रूटिनाइज करके। तो अगर कैंसिल करना था तो उसी टाइम आप कर देते, आपने नहीं किया कैंसिल। सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमेटी का कुछ कुछ बातचीत चल रहा था इसको लेकर, बट उस बातचीत का कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया गया, ना मेरे संगठन को दिया गया। अगर मुझे समय पर यह बताया गया होता, अगर मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया होता तो मैं कोर्ट में जाकर जो है इसका ये लेके आती, जवाब लेके आती, मैं इंश्योर करती कि नॉमिनेशन जो है मेरा कैंसिल ना हो। लेकिन जानबूझकर इस इन्फॉर्मेशन पे बैठा गया और लास्ट मोमेंट पे इसको रिलीज किया गया ताकि जो है मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे और मैं कोर्ट में भी ना जा सकूं। इसीलिए आज मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि स्टूडेंट ईसी जो है वो ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में काम नहीं कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पूरा पूरा एक कोशिश रहा है पिछले कई सालों से ईसी के ऊपर दबाव बना के उनसे काम करवाने का, तो वही दबाव अभी हमें दिख रहा है ईसी के ऊपर। तो हम ईसी से जवाब चाहते हैं कि ईसी अभी ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग को बुलाए और मेरे नॉमिनेशन पे चर्चा करे और क्लियर क्लियर ये बोले कि जो जनसेक का चुनाव हुआ है मेरे पद पे, जिस पद पे मैं कंटेस्ट कर रही थी, उस पे जो है वापस से एक तो इलेक्शन रद्द हो उस पोस्ट के ऊपर खाली, और जो है एक फ्रेश नॉमिनेशन दिया जाए और एक फ्रेश इलेक्शन जो है केवल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे करवाया जाए। ये 2 डिमांड्स के साथ मैं आज हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और मैं सारे कोशिशों से जो है विफल रही है, इसलिए मैं हंगर स्ट्राइक पे मुझे बैठना पड़ा। मेरा बस उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमेटी है वो आकर बात करेगी और ये जो अनफेयर मीन्स से ये चीजें हुई है, जो एकदम अनजस्ट और अर्बिट्री तरीके से ये सब हुआ है। देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का बहुजन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीणवाद कैसे खुल के बाहर आता है जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना आजर्शन करते हैं। मैं हमसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है, तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे, तुम मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। जेएनयू के बच्चों ने मेरे में कुछ देखा, बादशाह में कुछ देखा और उन्होंने हिंदुत्व फैसिज्म ब्राह्मणवाद मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है, लेफ्ट के प्यादों ने नहीं जिताया है। अगर कुछ लिखना है बादशाह के आगे तो लिखना है कि जेएनयू सपोर्टेड, अम्बेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड बादशाह, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड। देखिए सुबह सुबह क्योंकि एकदम से हुआ और पोलिंग बूथ पे स्टूडेंट्स आ गए थे, बहुत ही गहमी थी, बहुत कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन के तहत बहुत कुछ हुआ, किसी ने बोला एबीवीपी नहीं आना चाहिए, किसी ने बोला, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अल्टीमेटली इस कैंपस में एक एबीवीपी के आ जाने से सबको पता है कि ये कैंपस की क्या दुर्दशा हो सकती है। ये हमने 2015 में देख लिया था जब सौरभ शर्मा जो यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी बन के आया था, पूरे कैंपस को बर्बाद करने के लिए एक शटडाउन जेएनयू मूवमेंट यहाँ पे चला था। तो हम जो है समझते हैं, इस कैंपस में हर एक स्टूडेंट समझता है कि एबीवीपी के आने से क्या इस पूरे पूरे कैंपस को लॉस है, कि जो वो नहीं आ पा रहे हैं इसलिए वो स्टूडेंट्स का जो है नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे हैं, वो तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं इलेक्शन को ना होने देने का, वायलेंस से, मारपीट से, हर तरीके से इलेक्शन को रोकने की कोशिश की गई है। तो हम उस बात को समझते हैं और इसीलिए जो है ये कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ कि इसको वोट किया जाए या उसको वोट किया जाए। हमारा सीधा सीधा कहना है कि आप किसी को भी वोट अगर इस पोस्ट पे कर रहे हैं, उस पोस्ट पे जो इलेक्शन हुआ है उसको ही जो है कैंसिल किया जाए। इस बात को भी मान्यता फिर मिलती है ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो सही है, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। जीआरसी जो है वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करके ये इंश्योर किया है कि मेरा नॉमिनेशन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल। तो हम तो क्लियरली ये डिमांड कर रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है फ्रेशली इशू किया जाए और फ्रेश सिलेक्शन किया जाए। और बहुत सारे प्रगतिशील संगठनों ने इस कैंपस के जो है लेफ्ट यूनिटी के भी कुछ संगठनों ने, मोस्ट ऑफ संगठनों ने जो है एक स्टेटमेंट रिलीज किया है इस मेरे इस सपोर्ट में। तो उसमें भी क्लियर यही लिखा गया है कि प्रशासन जो है इलेक्शन कमेटी के फंक्शनिंग में जिस तरीके से टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से एबीवीपी को एडवांटेज मिले, उसके खिलाफ जो है इस यूनिवर्सिटी के सारे प्रगतिशील संगठन साथ में खड़े हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब साथ में मिलकर इसको रजिस्ट करेंगे। और बहुत सारे एबीवीपी के लोग भी जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं,
सुनने में आया है कि उनके ऊपर भी फाइन है, बट फिर भी उन्हें चुनाव देने के लिए दिया गया, बट मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। तो ये सीधा सीधा टारगेटिंग है और हम इसको जो है डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ, मेरी उम्मीद है कि इसी आके बात करेंगे और इसी आके जो इसको मुझे रिजॉल्व करेंगे और हम लीगल मीन्स को भी देखेंगे। बट पहले हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन कमेटी से बातचीत हो, उनसे जो है इस बारे में हम क्लैरिफिकेशन ले, सभी संगठनों के साथ आकर इसी बात करें और एक ट्रांसपेरेंटली बात। एक तरफ कल तक यही लेफ्ट यही लेफ्ट डोर टू डोर जाके एंटी बापसा कैंपेनिंग कर रहे थे और आज वही हमारे ही कैडर को, हमारे ही एक्टिविस्ट को आज वो हमारे वाहवाही कर रहे थे और अपने स्लोगन के साथ लगा रहे थे कि प्रियांशी हमारे कैडर है और ये सिर्फ यहाँ तक का कैंडिडेट है। इस शर्म की बात है और बापसे यहाँ से खंडन करती है और उसे विरोध करती है, उनको शर्म आनी चाहिए। हमेशा से बहुजन मूवमेंट को, अंबेडकर मूवमेंट को ऐसे ही डिलीजिटिमाइज किया गया है। इस बार इलेक्शन में तो हमें कुछ रूमर सुनाए पड़ते हैं, हमें कह दिया जाता है कि लेफ्ट सपोर्टेड। आप देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का बहुजन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।